अभिमान। भूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मनुष्य गर्व के कारण नीचा होता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। विरुद्ध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरुद्ध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई ना फूले जो उन्हें उतारता हो। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो।